हमारे देश में रात्रिकालीन संस्कृति वर्षों पुरानी है, लेकिन इंदौर में कुछ युवाओं ने इसे खराब कर दिया है। नाइट वर्क कल्चर का गलत अर्थ निकालते हुए इसे विकृत कर रहे हैं। यह विचार शनिवार को स्कूली छात्रों ने अभ्यास मंडल के 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में कही। नाइट कल्चर संस्कृति एवं प्रभाव विषय पर आयोजित इस प्रतियोगिता में कलेक्टर ने भी बच्चों को प्रोत्साहित किया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाली संस्था अभ्यास मंडल 13 सितंबर को अपने स्थापना के 65 वर्ष पूर्ण कर रही है और इस अवसर पर अभ्यास मंडल द्वारा विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं की भाषण प्रतियोगिता भी शामिल है। शनिवार को प्रेस्टीज कॉलेज परिसर में नाइट कल्चर संस्कृति एवं प्रभाव विषय पर भाषण अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के करीब 25 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कलेक्टर इलैया राजा टी इस प्रतियोगिता में विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे थे। प्रतियोगिता शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए नाइट कल्चर की सही परिभाषा से अवगत करवाया। 13 सितंबर को स्थापना दिवस है, मैंने यही समझ के आया कि आज एक भाषण प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन खत्म हो रही है, ठीक है। मुझे बच्चे से सुनने को मिलेगा, बट मुझे नहीं पता कि मुझे सुनाना है बच्चे का, ठीक है। तो ये एक वैसे आप लोगों को मैं ही समझूंगा कि जब ये कॉम्पिटिशन हो जाएगा, आर्टिकल कॉम्पिटिशन हो जाएगा, तो फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड बच्चे को तो डेफिनेटली मैं सुनना चाहूँगा, या उसमें सेलेक्टेड ऐसे विचार है उसके बारे में मैं सुनना चाहूँगा। बट टॉपिक बहुत अच्छा है, टॉपिक आपकी फ्यूचर ऑफ इंदौर है। सो मेरे हिसाब से टॉपिक के आप लोग जब तैयारी करेंगे, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से तैयारी करी, उसमें कुछ टिप्स देना चाहूँगा, राइट, सो दैट एक्चुअली आप लोग उस डायरेक्शन में आप लोग कर सकते हैं। वैसे टॉपिक क्या है जनरली, एग्जैक्टली क्या है टॉपिक का नाम एग्जैक्टली? रात्रिकालीन संस्कृति और प्रभाव। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक का मैंने बोल रहा था कि इसको थोड़ा चेंज कर ले, बट ठीक है। बट जनरली क्या होता है, नाइट कल्चर मीन्स थोड़ा सा हम लोग एक गलत अर्थ भी निकाल देते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। एक तो कल्चर है, कल्चर क्या होता है, कल्चर वॉट एवर हम लोग डेली बेसिस पे व्यवहार करते हैं, चीज़ें करते हैं, हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारी चीज़ें हैं, हमारी लैंग्वेज है, हमारी ड्रेस है, हमारी भाषा है, ये सभी हमारी कल्चर का पार्ट है, राइट। वो आपकी पुराने समय का हो या फिर नाउ या फ्यूचर कैसे होगी, ये सारी हमारी संस्कृति तो बदलते जाएगी ऑब्वियसली। चेंज इज द ओनली थिंग विच डजंट चेंज, राइट। मतलब आपका चेंज मतलब कंप्लीटली चेंज, मतलब एवरी टाइम आपका चेंजेस और परिवर्तन आपको हमेशा होते रहेगा। प्रतियोगिता में शामिल बच्चों ने इंदौर शहर में प्रारंभ किए गए नाइट वर्क कल्चर के गुण और अवगुण दोनों पर चर्चा करते हुए अपनी बात रखी। चाहे सराफा की गलियों की हो या अपने मोहल्ले की गलियों में देर रात तक गरबे के नशे में झूमने की यादें हो, रात की बात ही कुछ और है, रात की बात ही कुछ और है। इस सभा में उपस्थित सभी को सम्मान सत्कार और एक प्यार भरा नमस्कार। मैं अबिगेल इब्राहिम आज आप सभी के समक्ष नाइट कल्चर या फिर रात्रि संस्कृति पर एक भाषण प्रस्तुत करना चाहूँ। प्राचीन काल से ही भारत में संस्कृति का प्राचीन काल से ही भारत में सांस्कृतिक जीवन और मिलानसार संवाद की एक खासी रचना रही है और सदियों से मनोरंजन पूर्ण जीवन एवं आराम करने हेतु होने वाले सारे कार्य रात्रि के समय पर अधिक प्रचलित रहे हैं। फिर वो चाहे राजस्थान की कठपुतलियों का प्रदर्शन हो या फिर थिएटर में अभिनेता गायक और नृत्यकारों का प्रदर्शन हो या फिर रात में लगने वाले बाजारों से लेकर धार्मिक जगरातों का प्रदर्शन हो, सारे के सारी चीजें रात के इस जगमगाते हुए वातावरण में ही सुख पाती थी और इसी के परिणाम स्वरूप रात्रि संस्कृति या फिर नाइट कल्चर कोई नया आविष्कार नहीं है, इसकी जड़ें प्राचीन काल तक पहुंचती हैं। अब अगर हम सकारात्मक रूप से देखें तो एक नाइट कल्चर के अन्य फायदे हैं। सबसे पहले तो ये आपसी मेल मिलाप और नेटवर्किंग का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, उसी के साथ साथ यह हमें नए दोस्त बनाने में भी मदद करता है और तो और यह समुदाय के संबंधों को मजबूती प्रदान करने का एक वास्तविक विकल्प प्रदान करता है। भारत नाइट कल्चर की और लोगों का रुझान काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है।
इसे देखते हुए राज्य सरकार भी नाइट कल्चर की तरफ विस्तार देने पर विचार कर रही है। नाइट कल्चर से युवाओं पर काफ़ी ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, जैसे रात में युवा नशे करने के लिए जाते हैं, उनके नशे से पीड़ित उनको काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ होती है, जैसे माइग्रेशन, इंसोमिया, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और असंतुलन खान पान की वजह से डायबिटीज़, आँखों में परेशानी, कम रोशनी की दिक्कतें आदि। नाइट कल्चर से हमें कई गुण हैं तो कई कुछ अवगुण भी है। विचार करने पर नाइट कल्चर हमारी पीढ़ी काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली है कि उन्हें नाइट कल्चर का प्रभाव पता चल रहा है। नाइट कल्चर से हमें कई ज़्यादा अवगुण भी मिले हैं, जैसे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वो नाइट कल्चर की और अपने आप को जागरूक कर रही है। नाइट कल्चर की वजह से हमारे देश में आने वाली लड़कियां वो असुरक्षित भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियों की वजह से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमारे जागरूकता, जो हमारे समाज में जागरूकता होना चाहिए वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मैं अंत में यह कहना चाहूँगी कि कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण भी हैं। कुछ इस तरह की प्रतियोगिता अभ्यास मंडल विगत 64 वर्षों से शहर हित के लिए लगातार काम कर रहा है। आज की जो पीढ़ी है उसको समाज के साथ कैसे सरोकार से जोड़ा जाए, उसके लिए भी अभ्यास मंडल लगातार काम कर रहा है। प्रतिवर्ष हम बच्चों के बीच में कुछ जो समसामयिक विषय हैं उनको लेकर के प्रतियोगिता कराते हैं। इस वर्ष लगातार जिस तरह से पिछले 3-4 वर्षों में ध्यान में आ रहा है कि आज की जो पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में बढ़ती जा रही है, तो ऐसे बच्चों के बीच में नाइट लाइफ क्या है और उसका क्या दुष्प्रभाव हम सभी पर पड़ रहा है, ऐसे विषय को लेकर के आज ये प्रतियोगिता का आयोजन है। इसमें माननीय जिलाधीश महोदय ने आज के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए कलेक्टर ने अभ्यास मंडल को 1,00,000 की राशि भी प्रदान की। वहीं विजेता छात्र छात्राओं को कलेक्टर के सोशल अकाउंट पेज पर पोस्ट करने की भी बात कही। इस अवसर पर अभ्यास मंडल और प्रेस्टीज संस्थान के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।